हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलपी और टेक्नीशियन जॉब की, कि इन दोनों जॉब में से कौन सी जॉब ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि दोनों साथ ही में निकलती हैं, लगभग सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती हैं, तो लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हम एलपी चूज़ करें या फिर टेक्नीशियन चूज़ करें। कोई कुछ बताता तो कोई कुछ। तो भैया, हम तो नौकरी कर ही रहे हैं लोको पायलट की, टेक्नीशियंस को भी जानते ही हैं कुछ, तो आपको अंदर की बातें बताएंगे इसमें और आपको सही सलाह देंगे कि भाई किस जॉब को आप चुने। तो देख, अब बात करते हैं सीधे सीधे बिना कोई टाइम वेस्ट किए कि कौन सी नौकरी चुननी है आपको। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जिनके लिए कि सैलरी ही इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आप भी वही हैं, आपके लिए भी अगर सैलरी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको चूज़ करना है एएलपी यानी लोको पायलट की जॉब। क्यों? क्योंकि लोको पायलट की जॉब में टेक्नीशियन से काफ़ी ज़्यादा सैलरी होती है। आगे बात करेंगे डिटेल में कितनी कितनी होती है। जॉब प्रिपरेशन, मान लीजिए आपको कोई प्लान है कि मुझे तो भाई एसआई की तैयारी करनी है या जेई की तैयारी करनी है, टीचर की तैयारी करनी है, या फिर और किसी चीज़ यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है, तो फिर ऐसे में आपको लेनी चाहिए टेक्नीशियन की जॉब। टेक्नीशियन में क्योंकि आपको पढ़ाई के लिए समय मिलेगा। अगर आप आलसी टाइप आदमी हैं और आपको चाहिए कि भाई मुझे कठिन नौकरी नहीं करनी, मुझे तो आसान नौकरी करनी है, तो फिर आपको टेक्नीशियन की जॉब ही चूज़ करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो फिटनेस लवर्स होते हैं, जो कि अपनी फिजिक पर, अपनी बॉडी पर बहुत ध्यान देते हैं, जिम भी जाते हैं इसके अलावा, या फिर उनको कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रखा है, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर है दोस्तों टेक्नीशियन की जॉब, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब में आपको इन सब के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर आपकी पहले से ही आंखें कमजोर हैं, आपको लगता है कि मेडिकल आउट हो जाऊंगा, तो फिर आपको उसमें जाना ही क्यों है लोको पायलट में, फिर तो आप जाएंगे ही टेक्नीशियन में, है ना। अगर आपको एक एडवेंचरस जॉब चाहिए, एडवेंचरस का मतलब आपको बोरिंग जॉब नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि मैं सेम जाकर डेली जाकर सेम काम करूँ, ना, आपको रोज नए नए काम करने हैं, एडवेंचरस काम करने हैं, डेली नई चुनौतियां देखनी है, तो आपको लोको पायलट की जॉब चूज करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने दोस्तों एक टेबल बनाया आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला पॉइंट है देखिए दोस्तों, जॉब डिफिकल्टी की, जॉब क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें तो यहाँ पर ये डिफ़िकल्टी हो जाती है हार्ड, यहाँ पर काफ़ी कठिन नौकरी हो जाती है, जबकि टेक्नीशियन में इजी टू मॉडरेट रहती है। क्यों? क्योंकि टेक्नीशियन में देखो अभी आपका विभाग तो फिक्स है नहीं, बहुत सारे तरीके के टेक्नीशियन होते हैं, कुछ शेड में काम करते हैं, कुछ स्टेशन पर काम करते हैं, तो कुछ ट्रेन में भी काम करते हैं, वो भी ट्रेन के साथ चलते हैं। मान लीजिए कोई एसी का टेक्नीशियन है तो ट्रेन के साथ ही तो जाएगा। तो टेक्नीशियन में आपको अलग अलग जॉब प्रोफाइल रहती हैं, तो किसी कुछ की ईजी रहती हैं, तो कुछ की मीडियम लेवल की जॉब रहती है, जबकि लोको पायलट की जॉब हार्ड लेवल में आती है। मेडिकल स्टैंडर्ड, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड ये सिर्फ पास की बात नहीं है, बात बात की भी बात है कि इसमें हाई ही होता है। आप जब भर्ती होते हैं तब तो आपका बहुत अच्छे से मेडिकल होता ही होता है, इसके बाद भी टाइम टू टाइम आपके चेकअप होते रहते हैं, और अगर कोई समस्या आती है तो फिर उसी हिसाब से एक्शन लिया जाता है। जबकि टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसा खास मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होता, आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हों तो भी आप चलते रहते हैं जॉब में। सैलरी की बात करें तो देखिए, ट्रेनिंग के बाद लगभग असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी 50,000 के आसपास पहुँच जाती है, बाकी डिपेंड करता है उसके किलोमीटर कितने बन रहे हैं, जबकि टेक्नीशियन में ऐसा नहीं होता है, मुश्किल से उसकी तनख्वाह जो है 35,000 पहुँच पाती है, इससे कम ही रह जाती है बल्कि। तो सैलरी के मामले में अच्छा खासा गैप है, असिस्टेंट लोको पायलट कुछ ही दिनों में उससे टेक्नीशियन से डबल पहुँच जाता है, और यही पे मेन फैक्टर है लोको पायलट की जॉब को चूज़ करने का लोगों का, कि इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है। शेड्यूल बात करें अगर लोको पायलट में, तो कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, और यही एक अकेला ऐसा पॉइंट है जो आगे जाकर 10 नेगेटिव पॉइंट्स के बराबर बनेगा। टेक्नीशियन में जो शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। अब आगे देखना, जब मैं पॉइंट बताऊंगा ना तो वहाँ शेड्यूल ही रीज़न आएगा, ठीक। अब बस इतना समझ लीजिए कि लोको पायलट की जॉब में शेड्यूल नहीं होता है, फैमिली के लिए समय भी बहुत कम होता है। क्यों? एक बार आप ड्यूटी पे गए, कभी 2 दिन में वापस आ रहे हैं, कभी 3 दिन में वापस आ रहे हैं, कभी 1 दिन में वापस आ रहे हैं, और जब भी आप वापस आएंगे 2 दिन 3 दिन बाद भी, तो भी आप क्या है 16 घंटे बाद आपकी फिर ड्यूटी लग जाएगी, जबकि टेक्नीशियन में ऐसा नहीं होता। टेक्नीशियन में आपकी लगभग 8 घंटे की शिफ्ट होती है, अपनी 8 घंटे की शिफ्ट ख़त्म करी और आप घर पर आ गए, ठीक है। परमानेंट जॉब में मैंने लोको पायलट में नौ क्यों रखा है, देखिए सरकारी नौकरी आप ये मान के चलते हैं कि एक बार लग जाती है तो कभी निकलते नहीं है, यही तो होता है सरकारी नौकरी का मतलब, ठीक। पर यहाँ पर मैंने नो क्यों लिख दिया, क्योंकि लोको पायलट की जॉब एक ऐसी जॉब होती है जहाँ पर आपको गलती करने पर जॉब से भी निकाल दिया जाता है, जबकि बाकी जॉब में ऐसा नहीं होता, बाकी जॉब सरकारी है, इसका मतलब है कि वो परमानेंट है। टाइम फॉर प्रिपरेशन, यानी कि अगर आप कोई आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो लोको पायलट की नौकरी में रहते हुए इसके लिए आपको बहुत ही कम समय मिल पाएगा,
क्यों? क्योंकि कभी आपकी दिन की नौकरी होगी तो रात में सोएंगे, कभी रात में नौकरी होगी तो दिन में थके रहेंगे, दो दो दिन ड्यूटी करोगे, उसके बाद आकर 16 घंटे में फिर आपको आराम ही करना होगा, फिर आप ड्यूटी चले जाएंगे, तो प्रिपरेशन के लिए समय बहुत कम मिल पाएगा। जबकि टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल टेक्नीशियन ही चूज़ करें अगर आपको आगे की कोई तैयारी करनी है, फ़ायदे में रहोगे। अच्छा, और मैंने पॉइंट्स बनाए हैं दोस्तों। देखिए, लोको पायलट की जॉब कैसी होती है, फील्ड जॉब होती है। बहुत से लोगों को एक ऑफिस में सेम जॉब करते करते अच्छा नहीं लगता है, वो चाहते हैं कि उनकी जॉब ऐसी हो जिसमें कि घूमने फिरने को मिले। तो लोको पायलट की जॉब में इस बात के बहुत मजे हैं कि आपको रोज़ घूमने को मिलेगा, आज यहाँ जा रहे हैं तो कल वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर खाना खाइए कल परसों वहाँ पर खाना खाइए, डेली आपको घूमने फिरने के मज़े लेने हैं। जबकि टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लोको पायलट की जॉब में जो है वो पैसा तो ज़्यादा है पर आराम नहीं है, ठीक। पर टेक्नीशियन में क्या है, उल्टा है। टेक्नीशियन की जॉब में आराम ज़्यादा और पैसा क्या है, थोड़ा कम है। लोको पायलट की जॉब में जैसे मैंने बताया था कोई शेड्यूल नहीं होता, इस वजह से सुनिए क्या क्या होता है, इस वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। इस बात को दिमाग में रख लेना कि लोको पायलट में बीमारी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं होने के, शुगर, बीपी, पेट की बहुत सारी समस्याएं, इन्फेक्शन, पाइल्स, कमर दर्द, बहुत सारी बीमारियां हो ही जाती हैं। जब आप उल्टे सीधे टाइम पे उठेंगे सोएंगे तो शुगर बीपी तो दिक्कत होगी, कभी बेटाइम खाना खाएंगे, कभी रात के 12 बजे खा रहे हैं तो कभी शाम के 4 बजे खा रहे हैं, कभी घर का खा रहे हैं तो कभी बाहर का खा रहे हैं, कभी रनिंग रूम का खा रहे हैं, कभी स्टेशन का पानी पी रहे हैं तो कभी रनिंग रूम का पानी पी रहे हैं। ज़रूरी तो है नहीं हमेशा आपको साफ ही मिले, ठीक है। 10-10, 11-11 घंटे एक ही चेयर पर नज़रें टिकाए हुए बैठे हैं, कमर की तरफ ध्यान ही नहीं रहे, कमर दर्द हुई पड़ी है, गाड़ी हिलती रहती है दाएँ बाएँ दाएँ बाएँ, है ना, स्पाइनल कॉर्ड दुख जाती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं दोस्तों जो लोको पायलट की जॉब में आपको हो जाती हैं। जबकि टेक्नीशियन की जॉब में आपको नौकरी की वजह से तो कोई बीमारी नहीं होगी, है ना, आपकी अपनी आदतों की, खराब आदतों की वजह से हो सकती हैं कि भाई आप गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, या हालांकि दारू तो अलाउ ही नहीं होती है रेलवे में, मतलब इस तरह से आप खुद ही कुछ उल्टा सीधा खा के बीमारी कर लें तो अलग बात है, पर नौकरी उसका कारण नहीं बनेगी। और इसी वजह से जो लोको पायलट होते हैं बहुत बार देखोगे आप तो उनके आधे पैसे तो अपने शरीर के मेंटेनेंस में ही गुजर जाते हैं। जो ज़्यादा मेहनत करके आपको लगता है ओवर टाइम बनाते हैं लोको पायलट, तो ओवर टाइम बनाते हैं, बनाते नहीं हैं लोको पायलट ओवर टाइम, उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा काम करवाया जाता है कि आप बस गाड़ी पहुंचा दीजिए। और ओवर टाइम बना के जो ज़्यादा तनख्वाह आती है ना, या तो वो टैक्स में कट जाती है और या फिर वो इसी तरह की दवाइयों में चली जाती है। लोगों को लगता है लाखों लोग रुपये कमाते हैं वो तो बहुत मज़े लेते होंगे, उन पर मज़े लेने का समय ही नहीं होता है। बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की कि त्यौहार के समय, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि त्यौहार के समय वो अपने घर पर हो, तो देखो लोको पायलट की जॉब में ज़्यादातर ऐसा ही होगा कि आप त्यौहार के दिन पर अपनी नौकरी पर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो जब भी कोई त्यौहार आता है ना तो ट्रेनें बढ़ जाती हैं, स्पेशल ट्रेनें चालू हो जाती हैं, छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाती है लोको पायलट को त्यौहारों के समय, तो बहुत ही कम होता है कि आपका कोई त्यौहार घर पर मने, वरना तो क्या होगा आप ड्यूटी पर ही होंगे। जबकि टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है, टेक्नीशियन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके त्यौहार घर पे ही मनेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 24 में से आप 8 घंटे ड्यूटी करेंगे और 16 घंटे तो घर पे ही रहेंगे, तो क्या पता जो त्यौहार है, भाई दिवाली की मान लो, ऐसे तो त्यौहारों की छुट्टी होती है, पर मान लो छुट्टी ना भी हुई, आपने दिन में ड्यूटी करी तो शाम को तो दिवाली अपने घर पे मना लोगे। पर एलपी की नौकरी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, आप आज जा रहे हो तो 2 दिन बाद आ रहे हो, 10-10, 12-12 घंटे की नॉर्मल नौकरी कर रहे हो, कई बार वो 10-12 घंटे की जगह 14-16 घंटे भी लग जाते हैं साइन ऑफ होते होते, बहुत हालत ख़राब हो जाती है, 3-3 दिन में वापस आते हो, और जब वापस आते हो आप तो 16 घंटे का समय मिलता है रेस्ट जो हेडक्वार्टर पे मिलता है, और उन 16 घंटे में से आप 10-12 घंटे तो दोस्तों सोते हुए निकाल दोगे, लिख के ले लो, इतनी थकान हो जाती है। जबकि टेक्नीशियन में क्या होता है, आप सुबह जाओगे और शाम तक वापस आ जाओगे, इतना ज़्यादा थकान नहीं होगा, आप अपनी तैयारी, कोचिंग वगैरह जो भी चीज़ करनी हो आपको वो कर सकते हैं। लोको पायलट में बात करें तो आप महीने में लगभग 15-20 दिन तो बाहर ही रहोगे, देखो इसके अलावा 10-12-13 दिन ही घर पे रहोगे, इसलिए अगर आपको ये तैयारी करनी है ना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। जबकि टेक्नीशियन में आप रोज़ ड्यूटी करके घर आ जाओगे, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एलपी में भी पोस्टिंग अपने घर के पास मिली है और टेक्नीशियन में भी पोस्टिंग आपको अपने घर के पास मिली है, ये समझ लीजिए घर के पास अगर आपको कोई भी नौकरी मिलती है तो आप वही चूज़ करें जो घर के पास है, ठीक है। तो जब आप इतनी लंबी ड्यूटी करते हो, घर से बाहर ज़्यादा रहते हो, तो आपके लिए कोई भी एक्स्ट्रा तैयारी दूसरी जॉब की करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जबकि टेक्नीशियन में आप आराम से दूसरी नौकरी की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब शेड्यूल ना होने की वजह से आपको ये दिक्कतें आती हैं कि आप तैयारी नहीं कर पाते हो, क्या क्या, जैसे भाई आपका कोई शेड्यूल ही नहीं है, आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करी, आपने जिम ज्वाइन करा, आपने स्विमिंग क्लास ज्वाइन करी, आपने सिंगिंग डांसिंग क्लास ज्वाइन करी, गिटार क्लास ज्वाइन करी, लिख के ले लो महीने में अगर आप 5 दिन भी क्लास चले गए ना तो भाई साहब बहुत बड़ी बात है। क्यों?
अगर आपने 4 से 5 की कोई कोचिंग ज्वाइन करी है तो महीने में मुश्किल से 5 दिन ऐसे निकलेंगे जब आप 4 से 5 बजे के बीच में घर पर अवेलेबल होगे। और ज़रूरी नहीं उस समय आप बहुत ही फ्रेश महसूस कर रहे हो, क्या पता उसी समय ड्यूटी से आए होगे, थके हुए होगे। तो ये होता है शेड्यूल ना होने पर नुकसान, आप कुछ भी इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर पाओगे, चाहकर भी नहीं कर पाओगे। जबकि टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है, टेक्नीशियन में आपका एक फिक्स शेड्यूल होता है, आपको पता है मुझे इस महीने दिन की शिफ्ट है, मैं पूरे दिन शाम तक 4 बजे तक आ जाऊंगा। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, कोचिंग वगैरह ले सकते हैं। एएलपी की जॉब में, लोको पायलट की जॉब में ये कमी है कि अगर आप कभी कोई गलती कर देते हैं, मान लीजिए आपने लाल सिग्नल पार कर दिया, तो इस तरह की गलतियों पर आपकी जो जॉब है वो जा सकती है, वो जा सकती है, चली ही जाती है। जबकि दूसरी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में जॉब जो है वो नहीं जाती है इस तरह से। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हैं एएलपी और टेक्नीशियन की जॉब के अलावा भी किसी और जॉब में, अगर आपने कोई और एग्ज़ाम भी निकाल लिया है और आप सोच रहे हैं कि मैं वो चूज़ करूं या लोको पायलट की जॉब चूज़ करूं, तो दोस्तों जो आपको घर के पास मिल रही हो ना नौकरी, आप सबसे पहले वो चूज़ करो। घर के नौकरी की बात ही अलग होती है, घर पे नौकरी अगर है और आप घर से नौकरी कर रहे हैं, भले ही वो थोड़ी सी छोटी नौकरी हो पर वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कि आप दूसरे किसी राज्य में 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर जाकर कोई दूसरी नौकरी कर रहे हैं। उससे अच्छा है घर के पास कोई नौकरी मिल जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अपना घर होता है भैया, घर परिवार वालों के साथ रहो।